हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे पेडिक्योर करना कि पेडिक्योर किस तरीके से किया जाता है। गाइस, सबसे पहले हमें ऐसी टोन लेना होगा जिससे कि हम अपने नाखूनों की नेल पॉलिश को रिमूव कर सके। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस तरीके से हम नेल्स पॉलिश को रिमूव करेंगे। तो मैं अपनी ही खुद की पहले ट्राई करके देख रही थी गाइस, तो मेरी नेल्स काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नेल पॉलिश नहीं छुड़ाई, तो मैंने पहले अपनी नेल पॉलिश छुड़ाई फिर क्लाइंट की। सो आज हम इसी के पैरों पे आपको करना बताएंगे कि किस तरीके से आप पेडिक्योर कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आपको मैं घर पे करना सिखा रही हूँ किस तरीके से आप पेडिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नींबू एंड ब्लीच का बचा हुआ एक्टिवेटर और शैम्पू और हाइड्रोजन पानी में डाल लेना है। मैंने ऑलरेडी इसमें डाल लिया है। और आप फिर एसीटोन की हेल्प से आपको क्या करना है, जो भी आपकी नेल पॉलिश लगी हुई है उसको रिमूव करना है। अगर नहीं लगी हुई है तो आप रहने दें। और उसके बाद आपको अच्छे से जितने भी हमारा क्यूटिकल्स एरिया है उसको रिमूव करना है, एक्स्ट्रा जो क्यूटिकल है उसको रिमूव करना है। और फिर अच्छे से एरियो को बफ करना है ताकि हमारे जो एरियो की बिल्कुल डेड स्किन है वो निकल जाए। ओके, तो इस तरीके से हम पूरे पैरों पर बफिंग करेंगे। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा ब्रश है, ब्रश की हेल्प से आप इस तरीके से बफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती होगी, बट अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर किया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस, ओके, तो लगा देती हूँ मैं म्यूज़िक, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को।
सो गाइस बफ़ करने के बाद हमें जितने भी हमारे एक्स्ट्रा नेल्स हैं, अगर क्लाइंट चाहता है कि उनको कट करे तो आप कट कर दे, अगर क्लाइंट नहीं चाहता है कट करना तो आप उनको बिल्कुल भी ना काटें, ओके। तो आप उन्हीं की अच्छे से नेल की शेप दे सकते हैं, ओके। तो हमारे कस्टमर ने बोला कि काटना है तो हमने काट दिए, और उसके बाद हमें पैरों पे अच्छे से स्क्रब करना है गाइस, ओके। आप हाथों से भी अच्छे से मसाज करें और इस तरीके से स्क्रब को लेके ब्रश की भी हेल्प ले, ओके। तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो दोनों पैरों पे अच्छे से हम मसाज करेंगे। सो गाइस मसाज करने के बाद, सॉरी स्क्रब करने के बाद हमें अच्छे से पैरों पर मसाज करनी है, ओके। जो हमारी मसाज क्रीम आती है उसकी हेल्प से हमें मसाज करनी होगी पूरे पैरों पे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप अगर आपकी पैरों में पेन होता है ना गाइस, तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है, ओके। तो आप लोग इस तरीके से करवा सकते हैं स्क्रब, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हम जो है अच्छे से मसाज कर रहे हैं, ओके। तो हम सिर्फ आप लोगों को एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं गाइस, जैसे कि आपके पास कोई भी सामान ना हो, ओके। तो आपके पास टप हो टप में कर सकते हो बाल्टी में कर सकते हो, ओके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या अवेलेबल है, ओके। तो स्क्रब करने के बाद ये सारा पानी आपको पोंछ लेना है अच्छे से, फिर आपको मसाज करनी है पैरों की, ओके। ये हमारे पैरों में शाइनिंग लाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अच्छे से मसाज करेंगे दोनों पैरों पे, ठीक है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। तो गाइस मिलेंगे फिर आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में कुछ और नया सिखाने के लिए। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।